अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक ख़ास किस्म का कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और इसमें वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ का तड़का लगा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए मैंने लिया है सोयाबीन, जिसे मैंने एक घंटा पहले ही पानी में भिगा के रख दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह फूल चुका है। अब मैं इसका पानी पूरी तरह निचोड़ कर इसे एक मिक्सर जार में ले रही हूँ और इसे मैं बारीक पीस लूँगी। तो ये पीसने के बाद बिल्कुल कीमे की तरह लगने लगता है। ये हमने बारीक कुटा हुआ कीमा लिया हुआ है, इसमें हम वो पिसा हुआ सोयाबीन मिला लेंगे। और इसमें बॉईल किए हुए दो आलू मैंने लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च है और ये बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही कुछ मसाले भी हम इसमें डाल लेंगे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक। और इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आप को जैसी मर्ज़ी चाहे इसका शेप दे सकते हैं। मैं एक सिलेंड्रिकल और एक राउंड में इसका शेप दे रही हूँ, आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक तरीका तो यह है कि हम पैन में ऑयल डालकर, जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने कबाब को सेक लें। ये कबाब बहुत नरम होते हैं, तो ध्यान रहे कि इसको एहतियात से पलटें ताकि ये टूटे ना। तो इस तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है, अब हम इसे इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। एक जो दूसरा तरीका है इन कबाब को फ्राई करने का, वो है कि हम इसे अंडे में डीप करके फ्राई करेंगे, जिससे इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक अंडा लिया है, जिसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फिर मैं इसके अंदर कबाब को डीप करके फिर इसे फ्राई करूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल कर इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं।